लवलॉक ब्रिज जॉर्जिया में इस वक्त मौजूद जिस ब्रिज पर हूँ, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ब्रिज लॉक से भरा हुआ है। तो जो है ना, ऐसा क्यों है? थोड़ा अजीब जरूर लगता है कि किसी ब्रिज पर इतने लॉक्स क्यों लगाए हुए हैं, आखिर इस पर इतने लॉक्स लगाने की वजह क्या है, क्यों इनको लॉक लगाने पड़े। मैं हूं शान यादव। कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, कि एक औरत जिसने मतलब जिस बंदे से वो प्यार करती थी, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जंग लड़ने जाता है और काफी दिन गुजर जाने के बाद भी वो आदमी जंग से वापस नहीं आता, तो उसकी याद में जहां वो दोनों मिला करते थे उसी ब्रिज पर लॉक से ताले लगाना शुरू कर देती है। वो औरत एक फ्रेंच खातून थी और वो आदमी जो था वो भी एक फ्रेंच था, और इस ब्रिज पर जिस पर वो ताले मतलब लगा करती थी वो ब्रिज पेरिस में है, लेकिन मैं इस वक्त पेरिस में नहीं हूं, मैं हूं जॉर्जिया के कैपिटल तिबलिसी में मौजूद हूं, और यहां भी ऐसा ही एक ब्रिज है। असल में इस कहानी में आगे ये होता है कि अपने प्यारों के लिए ब्रिज पर ताले लगाना काफी फेमस हो गया पूरे यूरोप में और दुनिया भर में भी। अच्छा, तो सियाहों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा ही ब्रिज बनाया गया और उन्हें ब्रिजेस से एक ब्रिज ये है लवलॉक ब्रिज। तबलिसी में मौजूद हूं, यहां पर लोगों ने जो है ना इस पुल या ब्रिज के दोनों तरफ लॉक लगाए हुए हैं। लोग इस ताले पर जिससे वो प्यार करते हैं उनका नाम लिखते हैं और फिर इस ताले को इस ब्रिज पर लगाते हैं। ये कलरफुल तारे एक्चुअली यूरोप, अमेरिकन, कनाडा और पूरे वेस्ट में कल्चर में काफी ज्यादा पॉपुलर है। ब्रिजेस पर लॉक और जो है ना पाउंड यानी तालाब जो होते हैं, पानी में कोई भी ऐसे जहां कर पानी रुकता हो और वहां से आगे जाता हो, थोड़ा सा रुक कर जाता हो, वहां पर कॉइंस फेंकना, जैसा कि हमने 9/11 मेमोरियल वाले जहां पे है वहां पे भी देखा कि लोगों ने कॉइंस फेंके हुए थे। इसके अलावा जो है ना हमने नायगरा फॉल्स में भी देखा कि वहां पे भी जो है ना लोगों ने कॉइंस फेंके हुए थे। अब चलते हैं हमारे अगले मकाम की तरफ। ये है जॉर्जिया का एक बहुत ही मशहूर चर्च और ये भी जॉर्जिया का कैपिटल तिबलिसी में वाक्य है। तो ये जो है ना चर्च जो आपको नजर आ रहा है, ये चर्च पूरे जॉर्जिया का सबसे बड़ा चर्च है। इस चर्च का नाम है होली ट्रिनिटी यानी कैथेड्रल ऑफ तिबलिसी है। इसे आमतौर पर जॉर्जिया में समीबा भी कहकर बुलाया जाता है। इस वर्ड का मतलब होता है ट्रिनिटी। इस चर्च की कॉइंस भी हैं। इस चर्च की तामीर का काम 1995 में शुरू हो गया और ये काम 2004 में कंप्लीट हुआ। ये समीबा कैथेड्रल जो है ना एलाया हिल पर वाके है, जो कि ओल्ड तिबलिसी के करीब है वाके है। इस चर्च में कब्रिस्तान का कुछ पार्ट या हिस्सा भी शामिल है, मतलब कि जब इस चर्च की कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो इस जो सेमेंटेरी है ये कब्रिस्तान को डेमोलिश करके इस पर चर्च बनाया गया था। और इस चर्च की जो आर्किटेक्चर है पुराने जॉर्जियन स्टाइल में किया गया है। आप इस चर्च को जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप कभी जॉर्जिया आए तो जॉर्जिया के इन मकामात की सैर जरूर कीजिएगा। और ये जो मैंने लवलॉक ब्रिज की आप बात की है, यहां पे लोग खड़े होते हैं जिन लोगों ने बिजनेस बना रखा है, इन लोगों के हाथ में जो है ना कलरफुल, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कलरफुल जो है ना लॉक्स उठा रखे हैं, और ये 30 जो वहां की जॉर्जियन करेंसी है उसमें ये सेल करते हैं। इनके हाथ में एक कलम या मार्कर होती है जिससे आप उस, अच्छा ये जो लॉक्स हैं स्पेशल इसमें हार्ट डिजाइन में भी हैं, कलर डिफरेंट कलर ग्रीन रेड और येलो इस तरह के कलर्स में भी हैं। जो भी आपको कलर चाहिए, हार्ट शेप का चाहिए, उसके ऊपर आप अपने प्यारे का नाम लिखने के लिए आपको ये मार्कर भी प्रोवाइड करते हैं, पेन भी प्रोवाइड करते हैं, आप वो लिखें और इसको जो है ना आप लॉक लगा दें इस ब्रिज के ऊपर। उसके बाद चाबी आपकी मर्जी है, अपने पास रखें या उस जो नीचे इसके नीचे जो पानी बह रहा है उसमें फेंक दें। और ये जो लवलॉक ब्रिज है इसके पास सल्फर के बाथ भी हैं, जो है ना सल्फर यानी गंधक के जो हैं जो बाथ जो पुराने उस दौर में हुआ करते थे। बेसिकली तबलिसी की हिस्ट्री ये है कि एक जो किंग था, किंग वक्तान गर्गोसली, वो शिकार के लिए एक दिन इस जगह पर आया, तो जो है ना उसका एक प्यारा सा एक परिंदा था जो कि शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया करता था, तो वो उड़ते उड़ते जो है ना इसी गंधक के जो है ना गर्म पानी के चश्मे में जाकर गिर कर मर गया। तो उसके बाद से जो है ना उसने इस जगह को पर कब्जा कर लिया किंग वक्तान गर्गोसली ने, और उसने इसका नाम रख लिया तिबलिसी। तिबलिसी का मतलब होता है जो है ना गर्म पानी का जो चश्मा, हालांकि ये शहर बहुत ठंडा है। और ये है कुछ इसकी कहानी। निकलता हूँ आज की वीडियो के लिए, इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।